Hey guys, welcome back to Movie Narco. और आज से हम स्टार्ट करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स यानी GOT के पहले सीजन के पहले एपिसोड से। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो आप लोगों को साथ और ध्यान दोनों देना पड़ेगा, और यार समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, बस समय देना पड़ेगा। तो अब आते हैं पहले एपिसोड में, जहाँ 3 दीवार के पहरेदार दीवार के दूसरी तरफ जंगलियों के ठिकाने ढूंढने जाते हैं। अब यार थोड़ा आगे जाने के बाद इनमें से एक को कुछ इंसानी लाशें मिलती हैं, और ये देख के वो बहरा जाता है, तो वो लौट के अपने साथियों को उन लाशों के बारे में बताता है। जब उसके साथियों को इन लाशों के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वहीं जाते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां जाके देखते हैं तो इन लोगों को वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये सभी लोग अलग अलग होके उन सारी लाशों को ढूंढने में लग जाते हैं। उनमें से एक को वहां कुछ मिलता है, लेकिन तभी एक नीली रंग का दानव आके उसको यहां मार देता है, और बचे 2 ये देख के वहां से भागने लगते हैं, पर दूसरे वाले को भी व्हाइट वॉकर्स यानी यही नीले आंख वाले दानव पकड़ लेते हैं और उसका गला काट देते हैं। पर उनमें से एक बंदा यहां से जैसे भी करके वहां से बच निकलता है, और वो दीवार के दूसरी तरफ विंटरफेल भाग जाता है, जहां उसको स्टार्क के सिपाही पकड़ लेते हैं। अब यार विंटरफेल इस राज के 7 बड़े इलाकों में से नॉर्थ का सबसे बड़ा इलाका है, जहाँ के लॉर्ड हैं नेड स्टार्क, और नेड स्टार्क को वार्डन ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। अब यार मोटे तौर पे समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगा कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, वैसे ये समझ लो कि ये जो राज्य है वो भी 7 राज्यों को मिला के बना है, और इन 7 राज्यों में से सबसे बड़ा है विंटरफेल, और विंटरफेल का लॉर्ड या फिर कह सकते हो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है नेड स्टार्क। तो यार नेड स्टार्क के 5 बच्चे हैं, एक्चुअली 6। सबसे बड़े बेटे का नाम है रॉब स्टार्क, और उससे छोटा है जॉन स्नो, उसके बाद सांसा स्टार्क, फिर आर्या स्टार्क, और सबसे छोटा ब्रैन और रिकॉन स्टार्क, और नेट स्टार्क की बीवी का नाम है कैटलिन स्टार्क। तो यार ये था स्टार्क फैमिली का इंट्रो। इन सब लोगों के नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी और कैरेक्टर्स और आगे आते जाएंगे, आप लोगों को अपने आप इन लोगों के नाम अपने आप याद होते जाएंगे। तो चलो यार अब आते हैं कहानी पे। तो रॉब और जॉन यानी सबसे बड़े बेटे अपने छोटे भाई ब्रैन को तीर कमान चलाना सिखा रहे थे, पर ब्रैन कुछ खास अच्छा नहीं कर पाता, और तभी अचानक से वहां पे आर्या 3 निशाने पे मार देती है, जिसको देख ब्रैन की जल जाती है और वो उसके पीछे भाग जाता है। आर्या नेट स्टार्क की सबसे छोटी बेटी है, और ब्रैन सेकंड नंबर का सबसे छोटा बेटा है। इन लोगों के पेरेंट्स यानी नेट और कैटलिन इनको ऊपर से देख रहे थे, तभी वहाँ रॉडरिक आता है। रॉडरिक एक्चुअली स्टार्क्स का वफादार है। रॉडरिक नेट को बताता है कि सिपाहियों ने एक दीवार के पहरेदार को पकड़ा है। तो ये सुनते ही नेट थियोन ग्रेजॉय नाम के बंदे से बोलता है कि वो घोड़ों को तैयार करे, और फिर उसके बाद वो उस पहरेदार को सजा देने के लिए अपने बेटों के साथ निकल जाता है। यहाँ वो अपने छोटे बेटे ब्रैन को भी अपने साथ ले जाता है। तो नेट उस पहरेदार से यहाँ पे उसके आखिरी शब्द पूछता है, और वो पहरेदार बस बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा होता है कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा। अब यार व्हाइट वॉकर्स यानी वही नीली आंखों वाले दानव। नेड अपने राजा रॉबर्ट के नाम पे इस बंदे को सजाए मौत देता है और उसका सर काट देता है। इस बंदे को सजा देने के बाद नेड अपने बेटे ब्रैन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया। तो ब्रैन जवाब देता है कि वो बंदा भगोड़ा था और उसने अपनी दीवार को प्रोटेक्ट करने वाली कसम को तोड़ा था, इसलिए आपने उसे सजा दी। यहाँ ब्रैन अपने पापा से ये भी पूछता है कि क्या वो बंदा सच कह रहा था, और क्या व्हाइट वॉकर्स सच में वापस आ चुके हैं। तो नेड यहाँ अपने बेटे से बोलता है कि व्हाइट वॉकर्स तो 4000 पहले ही जा चुके हैं। वहां से वापस महल लौटते वक्त इन लोगों को रास्ते में एक बड़ी सी वुल्फ की लाश मिलती है, और उसके आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे यानी पिल्ले मिलते हैं। अब ये उन वुल्फ का इलाका नहीं रहता, तो नेड उनको मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका बेटा जॉन उससे कहता है कि आपके राज की मोहर भी वुल्फ की है, तो आपके सभी बच्चों के पास एक एक वुल्फ तो होना ही चाहिए। तो ये सभी बच्चे एक एक वुल्फ के पिल्ले को उठा लेते हैं। यहाँ पे एकदम से जॉन अपने छोटे भाई से बोलता है कि वो एक स्टार्क नहीं है। तो यार यहाँ से अपन को पता चलता है कि जॉन एक्चुअल में नेड स्टार्क का एक बास्टर्ड या फिर नाजायज बेटा था, और नाजायज बेटों को अपने फादर का फैमिली नेम या फिर कहें सरनेम नहीं मिलता है। वहीं किंग्स लैंडिंग जो कि कैपिटल है, वहाँ पे अचानक से जॉन एरिन की मौत हो जाती है। एक्चुअली जॉन एरिन हैंड ऑफ द किंग था। अब यार हैंड ऑफ द किंग राजा के बाद पूरे किंगडम में सबसे पावरफुल पोस्ट रहती है, या फिर हैंड ऑफ द किंग ये समझ लो बोले तो वजीर। वहीं पे हम लोग राजा की बीवी सर्सी लैनिस्टर और उसके भाई यानी उसके जुड़वा भाई जेमी लैनिस्टर को देखते हैं, और इन दोनों की बात से ऐसा लगता है जैसे जॉन एरिन की मौत में इन दोनों का ही हाथ था। वहीं एक पंछी जॉन एरिन की मौत की खबर लेके विंटरफेल आता है। ये खबर सबसे पहले कैटलिन को पता चली, तो वो तुरंत ये बात नेट को बताती है, और ये खबर सुनते ही नेट शॉक हो जाता है। जॉन एरिन कैटलिन स्टार्क की बहन का पति था, इसलिए वो नेट के इतना क्लोज था। कैटलिन नेट को बताती है कि एक और संदेश आया है कि राजा विंटरफेल आ रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ये सुनकर नेट थोड़ा और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि राजा इतनी दूर नॉर्थ में क्या लेने आ रहे हैं। तो यार अब पूरा विंटरफेल राजा की तैयारियों में लग जाता है। ब्रैन को महल के ऊपर चढ़ने का बहुत शौक है, वो भी बिना सीढ़ियों के। तो वो अगले दिन महल की छत पे चढ़कर राजा को आते देखता है।
स्टार्क की पूरी फैमिली गेट पे पहुंच जाती है और राजा का वेलकम करती है। और हाँ, एक बात बता दूं कि राजा और रॉबर्ट और नेट बहुत पुराने दोस्त हैं, और राजा के आते ही नेट और रॉबर्ट के बीच हंसी मजाक चालू हो जाता है। और फिर रॉबर्ट यानी राजा नेट से बोलता है कि उसको मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाना है, बोले तो सेमेटरी। तो ये सुनकर राजा की बीवी बोलती है कि मरे हुए लोग तो इंतजार कर सकते हैं, हम लोग हफ्तों से सफर कर रहे हैं, क्यों ना पहले थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। पर राजा रॉबर्ट उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी रानी को अपने छोटे भाई का ख्याल आता है और वो अपने जुड़वा भाई जेमी को उसे ढूंढने को भेज देती है। रानी का छोटा भाई टीरियन लैनिस्टर है और वो एक बुना आदमी है। जब नेट और रॉबर्ट अकेले रहते हैं तब नेट जॉन एरिन के बारे में पूछता है, पर रॉबर्ट को तब कुछ भी नहीं पता रहता। वो नेट को अपने साथ किंग्स लैंडिंग चलने को कहता है। रॉबर्ट नेट स्टार्क को हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहता है, पर नेट उसको मना कर देता है और वो कहता है कि वो इस ओहदे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वहीं टीरियन लैनिस्टर यानी बोना एक लड़की के साथ घपाघप करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ जेमी यानी उसका बड़ा भाई आ जाता है, वो भी और सारी लड़कियां लेके। वाह यार, बड़ा भाई हो तो ऐसा छोटे भाई की मौज करवा दी। वहीं रॉबर्ट यानी राजा एलिना नाम की एक बंदी की कब्र के पास जाके थोड़ा सेंटी हो जाता है, और यहाँ से अपन को पता चलता है कि एलिना रॉबर्ट की क्रश और नेट की बहन थी, और एलिना को टारगेरियंस यानी पहले वाले राजा की रेस ने मार दिया था। वहीं हम देखते हैं लास्ट टारगेरियंस अभी भी जिंदा है और वो समंदर के पार पेंटोस नाम के एक आइलैंड में है। और इन टारगेरियंस में है डेनेरिस टारगेरियन और उसका भाई। डेनेरिस का भाई अपनी सत्ता वापस पाने के लिए अपनी बहन का रिश्ता कार्ल ड्रोगो नाम के एक बंदे से करवा रहा है। कार्ल ड्रोगो दोथराकी क्लैन का लीडर रहता है, और उस दिन कार्ल ड्रोगो डेनेरिस को देखने आता है। ड्रोगो को डेनेरिस पसंद आ जाती है और उनकी शादी फिक्स हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्ल ड्रोगो का रोल अपने एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ साहब ने किया है, और दोथराकी एक्चुअली एक बारबेरिक सोल्जर्स की ब्रीड है। वहीं विंटरफेल में सब दावत उड़ा रहे हैं, तभी वहां नेट स्टार्क का छोटा भाई बेंजन स्टार्क आ जाता है। बेंजन दीवार का पहरेदार रहता है और इस वजह से वो विंटरफेल में नहीं रहता, पर कुछ काम से वहां आता जाता जरूर रहता है। अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि एपिसोड की बिगिनिंग में जिस बंदे को मारा गया था वो भी एक्चुअली दीवार का पहरेदार ही था। अब यार ये दीवार क्या है और उसके पहरेदार आखिर एक्चुअली करते क्या है, ये अपन लोगों को आगे जैसे अपन सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। तो जॉन यानी स्टार्क का नाजायज बेटा बेंजन स्टार्क को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जॉन भी दीवार का पहरेदार बनना चाहता है। वो बेंजन से कहता है कि जब आप वापस जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना, पर बेंजन उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। वो जॉन से कहता है कि जॉन पहरेदार बनकर बहुत कुछ खो देगा, क्योंकि दीवार का पहरेदार कभी शादी नहीं कर सकता और ना ही अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। तो ये सब सुनके जॉन कहता है कि वो ये सब छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन बेंजन उसकी इस बात को टाल के अंदर चले जाता है। अब टीरियन यहाँ आके जॉन से बात करता है और वो जॉन को बताता है कि वो बहुत टाइम से बड़ी दीवार को देखना चाहता था, और फिर टीरियन और जॉन के बीच में कुछ बातें होती हैं। वहीं अंदर पार्टी में सब लोग एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जानने लगते हैं। पार्टी के बाद नेट कैटलिन को रॉबर्ट के ऑफर के बारे में बताता है, तभी वहाँ मिस्टर लुविन आते हैं और कैटलिन की बहन का संदेश उसको लाके देते हैं। अब यार आप अगर पूछो कि मिस्टर का मतलब क्या होता है, तो मिस्टर का सीधा सा मतलब है डॉक्टर बस। इस लेटर में ईरी की सील लगी रहती है, ईरी एक्चुअली कैटलिन का घर है। कैटलिन वो लेटर पढ़ते ही जला देती है, और ये देख नेट उससे पूछता है कि इस लेटर में क्या लिखा था। तब कैटलिन उसको बताती है कि उसकी बहन ने कैपिटल छोड़ दिया है और उसने ये लिखा है कि जॉन एरिन का मर्डर हुआ था जो कि लेनेस्टर्स ने ही किया है, और साथ में उसने ये भी लिखा था कि राजा की जान भी खतरे में है। अब नेट उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और वो कहता है कि वो अभी भी शॉक में है, शायद इसलिए वो बंदी अपने दिमाग से काम नहीं ले रही है। पर कैटलिन डर जाती है क्योंकि वो ये जानती है कि अगर ये लेटर गलत हाथ में चला गया तो उसकी बहन और उसके बहन की बेटे की जान दोनों खतरे में आ जाएंगी। अब यहाँ कैटलिन अपने पति को कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर छोटी सी बात होती तो उसकी बहन इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेती। अब ये बात सुनके मिस्टर लुविन भी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो रियली में राजा की जान खतरे में है और बस नेट स्टार्क ही उनकी मदद कर सकते हैं। तब कैटलिन कहती है कि उन लोगों ने तो पुराने हैंड को भी मार दिया और अब आप चाहते हैं कि नेट यानी मेरे पति उसकी जगह ले। तब मिस्टर लुविन बोलते हैं कि राजा हफ्तों का सफर इसलिए तय करके आए हैं क्योंकि उनको किसी और पे भरोसा नहीं है और वो नेट की मदद चाहते हैं। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कार्ल ड्रोगो की शादी हो रही है, वो भी डेनेरिस टारगेरियन के साथ, और भाई मैंने ऐसी शादी कभी नहीं देखी। वहाँ शादी में लोग पेलम पट्टी मचा रहे हैं और एक लड़की के पीछे तीन तीन लोग पड़े हैं, और भाई हद तो तब हो जाती है जब उनमें से एक बंदा एक लड़की के लिए अपने साथी की आंतें तक बाहर निकाल देता है। एक्चुअली दोथराकी क्लैन में ये कॉमन सी बात है, जब भी किसी की शादी होती है तो किसी ना किसी की बलि तो चढ़ती ही चढ़ती है। दूल्हा दुल्हन यानी कार्ल ड्रोगो और डेनेरिस को बहुत सारे लोग गिफ्ट भी देते हैं, और तभी वहाँ सर जोरा मोमोट आके डेनेरिस को उसके राज का इतिहास गिफ्ट करते हैं, और उसको देख डेनेरिस पूछती है कि क्या आप मेरे यहाँ से ही हैं।
तो तब जोरा उसको बताता है कि उसने बहुत साल तक उसके पापा के लिए काम किया था और आगे भी वो असली राजा के लिए यानी असली टारगेरियंस के लिए काम करना चाहेगा। और तभी पेंटोस के लॉर्ड डेनेरिस को ड्रैगन के अंडे गिफ्ट में देता है और वो कहता है कि वक्त ने इन्हें भले ही पत्थर बना दिया हो मगर ये आज भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और आगे भी रहेंगे। थोड़ी देर बाद खाल रोगो वहां से डेनेरिस को लेके चला जाता है और आउटडोर गबागप मचाता है। वहीं विंटरफेल में नेट रॉबर्ट यानी अपने राजा का ऑफर ले लेता है और हैंड ऑफ द किंग बन जाता है। अब इस बात से रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ये दोनों शिकार करने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्रेन के अंदर का कीड़ा फिर से जाग जाता है और वो एक मीनार पे चढ़ जाता है। वो जब मीनार के टॉप पे पहुंचता है तो वो वहाँ रानी और उसके भाई को पेलम पट्टी मचाते हुए देखता है। रानी का ट्विन भाई जेमी तुरंत ब्रेन को पकड़ लेता है। रानी ब्रेन को देखते ही घबरा जाती है तो वो कहती है कि इसने सब कुछ देख लिया है अब क्या होगा। तो जेमी अपनी बहन से कहता है कि टेक इट इजी बेबी और फिर वो वहां से ब्रेन को धक्का दे देता है। अब तुम लोगों को यहां से पता चल गया होगा कि जब भी कहीं पे भी दुनिया में बहन भाई का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो उसे गेम ऑफ थ्रोन से क्यों कंपेयर किया जाता है। यार ये दोनों ट्विन भाई बहन है और उसके बाद भी ये दोनों पेलम पट्टी मचा रहे हैं यार। मतलब सगे भाई बहन होके, सगे भी नहीं वो ट्विन भाई बहन होके। तो यार ये थी फर्स्ट एपिसोड की समरी। अगर आप लोगों ने एपिसोड एंड तक देखा है तो प्लीज कमेंट में #बहनlovesbhai जरूर लिख देना। दूसरे एपिसोड की समरी आपको ऊपर आई बटन पे और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।